क्या प्रॉब्लम है यहाँ? हमें कुत्ते से डर लगता है। डर लगता है? किस चीज से डर लगता है? कुत्ते से। कुत्ते से डर लगता है? क्या करता है कुत्ता? आपके भाई को खा गया था? कैसे, क्या हुआ? तो ये स्कूल वाले ध्यान नहीं रखते? यहाँ पे सर खड़े थे, एसपी सर खड़े थे, ये घटना होने से पहले ही खड़े थे, फिर भी उन्होंने नहीं बचाया। तुम्हारे भाई को नहीं बचाया? देखते रहे वो खड़े खड़े देखते रहे? Yes. ये क्या नाम है उनका? एसपी सर। देखिए बच्चे डरे हुए से फील कर रहे हैं, हम उनके परिवार के सदस्य से बात करते हैं। क्या कहते हैं आप, क्या मानते हैं, क्या है आखिर हुई क्या घटना? सर सुबह बच्चे जैसे रोजाना स्कूल आते हैं उस हिसाब से स्कूल में आ गए, प्रार्थना स्थल पे प्रार्थना चल रही थी, हमें बताया गया ये चीज, लेकिन हमारे तीन बच्चे और वो साथ थे, उन्होंने सारा घटनाक्रम देखा है। तो इस प्रार्थना स्थल पे एक कुत्ता आया, मेरे बेटे ऋषि को वहां से उठा के घसीटता हुआ लगभग 50 मीटर खींच के ले गया, उसके बाद में उसको ट्रॉमा सेंटर में लेकर आए। स्कूल प्रशासन ने हमें फोन करके बताया भाई आप वहां हो, हम वहां गए तो वो बुरी तरह से लहूलुहान था, मतलब आप सोचो उसको 10 जगह से काटा होगा उसको, तेरे को सिर में से। अभी हम लोग आए यहाँ पर, हमने पता किया कि यहाँ बच्चे तो कह ही रहे हैं, उसके अलावा बताया जा रहा है कि 3-4 केस पहले भी ऐसे हो चुके हैं यहाँ इन सब कुत्तों को। बिल्कुल बिल्कुल सर, 1 फरवरी को ही यहाँ स्कूल स्टाफ में से किसी बच्चे को इसी परिसर में काटा है, उससे एक और घटना हो चुकी है, तीसरी घटना है सर। और बिल्कुल इसीलिए सर हमें बड़ी बड़ी दुख हो रहा है हमें कि जब स्कूल प्रशासन के 1 तारीख को 1 फरवरी को एक घटना घटित होगी, उसके बाद में अगर स्कूल प्रशासन 6 तारीख को हमारे बच्चे के साथ ये घटना हो गई और फिर भी प्रशासन कह रहे हैं हम प्रयास कर रहे हैं, निगम कुत्ते नहीं पकड़ रहे हैं। मैं ये उनसे पूछना चाह रहा हूँ सर, निगम कुत्ते स्कूल परिसर के अंदर पकड़ेगा क्या? निगम तो कुत्ते बाहर पकड़ेगा, स्कूल परिसर के अंदर कुत्ते क्यों आ रहे हैं? हम स्कूल प्रशासन से ये जवाब मांग रहे हैं। हाँ क्या करें सर, फिर हमारा बच्चा सुरक्षित का है इस ग्राउंड में, सुरक्षित नहीं बच्चे। फिर क्या बोल रहे हैं इसके प्रिंसिपल महोदय? अब प्रिंसिपल महोदय सर वो कह रहे हैं हम प्रयास कर रहे हैं आगे से ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसके साथ हो गया। आप ये प्रयास अगर 1 तारीख के बाद स्टार्ट कर देते सर तो कम से कम इसके साथ ये हादसा नहीं होता। और हम लोग आपके माध्यम से सर, हम तो आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि कम से कम आगे किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं हो। आप इसके लिए जिम्मेवार किसको मानते हैं? एकदम सर स्कूल प्रशासन जिम्मेदार है इसके लिए, बिल्कुल स्कूल प्रशासन जिम्मेदार है, उनके इनके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। कलेक्टर वगैरह को भी? बिल्कुल सर, मैंने कल कलेक्टर साहब से मिलने गया था, मैं नहीं मिले थे, एडीएम सिटी से मेरी बात हुई थी, बच्चे को साथ लेके गया था, मैंने कहा सर ये कितनी गलत चीज है, तो उन्होंने भी कहा ठीक है, आश्वासन दिया है जो भी कार्रवाई है वो करेंगे। पुलिस प्रशासन में मैंने इसकी FIR, पुलिस प्रशासन में हमने एप्लीकेशन लगाई है कि भाई जो भी है संभव हर संभव इसमें जो कार्रवाई बनती है जिनके भी खिलाफ बनती है वो होना चाहिए सर। दूसरे पेरेंट्स भी हमारे साथ खड़े हैं, उनसे पूछना चाहेंगे अभी पेरेंट्स कहेंगे आप क्या मानते हैं? खुद के बच्चे ये मेरे खुद के 2 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उन्होंने बताया था कि कुत्तों से किस तरह से सारे बच्चे तो पीड़ित हैं। सबसे पहले दारू नाम की एक बच्ची थी, उसको कुत्तों ने काटने की कोशिश करी जनवरी महीने में, जिसमें वो बच गई क्योंकि उसके पिता उसके साथ में थे। दूसरी घटना घटी 1 फरवरी में, जिसमें गुरमीत जी हैं वो इन स्टाफ के हैं, वो उनकी बच्ची को बुरी तरह से बच्चों ने खाया था, लेकिन मामला स्टाफ ने यहाँ दबा दिया क्योंकि वो यहाँ स्टाफ के थे और प्रिंसिपल के दबाव में शायद उन्होंने दबा दिया वो मामला। तीसरा घटना ये हमारे ऋषि की हुई 6 फरवरी को, बच्चों को बुरी तरह से नोचा गया है, बुरी तरह से काटा गया है, और मेन चीज तो ये है कि एक के बाद में एक घटनाएं लगातार हो रही है और घटना बढ़ के हो रही है। पहली बार उसका पांव काटा, दूसरी बच्ची को बुरी तरह से खाया, और तीसरे ऋषि को तो मरता मरता बचाया, मर जाता यदि वहाँ बाना सरोवर नहीं पहुंच पाते। कहते हैं कि सरोवर आए तब तक कुत्ते ने छोड़ के वो चला गया, तो मुझे ये अंदेशा है कि कुत्ता यहीं कहीं के हैं, और जो कल कुत्ते पकड़े गए हैं उसमें सिर्फ एक कुत्ता है ना उनके साथ। कहा जाता है दीवार बहुत छोटी है शायद अंदर की,
दीवार गेट के नीचे से आता है और आपस में जो दीवार है वो छोटी है, दीवार ऊंची हो या सुरक्षा हो, मिलिट्री मैन खड़े रहते हैं, गन मैन खड़े रहते हैं, लेकिन मेन गेट का खड़े रहते हैं। आठ आठ गन मैन होने के बावजूद यदि बच्चों की सुरक्षा नहीं की जा सकती है तो ऐसी आर्मी स्कूल की तो मैं तो वो देश की रक्षा कैसे करेगी आर्मी? तो देखिए ये यहाँ के सेंट्रल स्कूल के नंबर वन के बच्चे पूरी तरह से खौफ ज्यादा है, और खास बात हम करें तो इन्हें कुत्ते का खौफ है, क्योंकि यहाँ बताया जाता है जैसे कि आठ गनमैन और यहाँ तमाम सिक्योरिटी गार्ड की पोल खुलती यहाँ पर नजर आ रही है, यहाँ पर हिंसक कुत्ते कैसे अंदर आ रहे हैं इस परिसर में, बड़ा सवाल है। और नन्हों की जो बच्चे हैं उनकी जान खतरे में है। KK सिंह, समय राजस्थान, बीकानेर।